Hello students, today we are going to discuss 6th chapter from First Flight, that is Miss Bill the Author, written by Gavin Maxwell. तो बच्चों आज हम First Flight का 6th chapter Miss Bill the Author पढ़ने वाले हैं और जो Gavin Maxwell ने लिखा था और इस कहानी में लेखक हमें बताता है कि एक ऑटर यानी कि ऊद बिलाव रखने का फैसला उनके जीवन में कैसे बदलाव लेके आता है। यहाँ पर वह हमें अपनी यात्रा और मिस बिल यानी कि मिस ऑटर के साथ अपने अनुभव की जानकारी देते हैं। यात्रा इराक से लंदन और फ्लाइट के माध्यम से शुरू होती है। ऑटर ने फ्लाइट में तबाही मचाई और सभी को डरा दिया। हालांकि एक उदार एयर होस्टेस ने लेखक को मिस बिल के साथ ट्रैवल करने में काफी मदद की। बाद में लेखक यानी कि राइटर जब लंदन में पहुंचते तो वहां पे लोग ऊद बिलाव यानी कि ऑटर के बारे में कैसी कैसी जानकारी रखते हैं और जानवर के लिए ये कौन कौन से नाम के अनुमान लगाते हैं उसके बारे में है। सो लेट सी द फर्स्ट पार्ट। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। तो राइटर बेसिकली यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 1956 में ट्रैवल किया इंग्लैंड से सदर्न इराक में। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, पहले वाले ये यूरोप कंट्री है और ये इराक है। तो राइटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते और सेकेंड आगे के पिक्चर में आपको ये इराक के बारे में समझना है। स्पेशली इराक पूरे कंट्री में से एक रिवर बहता है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है और वो है टाइग्रिस रिवर। और ये टाइग्रिस रिवर में आपको काफी सारे अलग अलग टाइप के एक्वेटिक क्रीचर्स मिल जाएंगे और उसमें से एक काफी कॉमन सा क्रीचर है वो है ऑटर। ऑटर जिसको आप ऊद बिलाव बोल सकते हो और वो नेवले के जैसा ही एक जानवर है जो पानी और जमीन दोनों जगह पे रहता है। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो ज्यादातर ये ऑटर और राइटर के एक्सपीरियंस के बारे में ही है। बाय देन इट हैड क्रॉस माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग एंड दैट कमिश्नर रिंग बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे क्रॉस माई माइंड इसका मतलब होता है केम इन टू माई माइंड, यहाँ पे थॉट के बारे में कहा गया है यानी कि दिमाग में कोई आइडिया आना, मस्तिष्क में कोई विचार का आना। फिर दूसरा है रिंग्ड बाय जिसका मतलब होता है सराउंडेड बाय, आप किसी चीज से घिरे होते हो उसके लिए ये वर्ड है। और यहाँ पे केमिस्फर्ना करके एक स्कॉटिश इमेजिनेटिव प्लेस है जहाँ पे आपको मक्खियों की तरह ऑटर मिलेंगे। फिर दूसरा वर्ड है अ स्टोन थ्रो, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, काफी नजदीक होना। फिर है एमिनेंटली जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक रूप से। तो यहाँ पे लेखक जो है वो यूरोप से इराक ट्रैवल करके आया है और जब ये यूरोप से इराक आए तो उनके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था कि उन्हें कुत्ते के बजाय एक ऊद बिलाव यानी कि ऑटर रखना चाहिए। और ये केमिस्फर्ना जो कि पानी से घिरा हुआ था, मतलब राइटर जहाँ पे रहने वाले थे उसके आजू बाजू काफी सारा पानी था, तो ये इनके दरवाजे से थोड़ी दूरी पर था ये केमिस्फर्ना, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे पानी बहुत सारा हो और ऑटर भी मिले। और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट उनको सबसे बेस्ट जगह पे करने का मन हुआ। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो यहाँ पे casually का मतलब होता है not deliberately, यानी कि साधारण तौर पे। टाइग्रिस ये इराक से बहती हुई एक रिवर का नाम है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये टाइग्रिस रिवर है और राइटर जो है वो बसरा से बिलोंग करते हैं, वहीं से उन्होंने ये ऑटर खरीदा था। तो ये देखो ये बसरा है और ये पूरा टाइग्रिस रिवर है और ये उसका मार्शी लैंड है यानी कि दलदली विस्तार। नदी
यानी कि रिवर के बाजू का जो एरिया होता है जहाँ पे काफी धूल मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है, तो उससे बनता है दलदल, कीचड़ यानी कि मार्शेस। तो मार्शेस फुल ऑफ मार्श यानी दलदल वाली जमीन। फिर आता है टेम। टेम का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड, यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रशिक्षित करना या ट्रेन करना। तो राइटर बोलता है, जब मैंने कैजुअली यानी कि साधारण तौर पे एक मित्र से इसका मेंशन किया, इसका जिक्र किया, तो उसने उतनी ही कैजुअलिटी, उतनी ही साधारणता से जवाब दिया कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं टाइग्रिस रिवर के दलदल से एक ऑटर को लेके आऊं, क्योंकि वहां पे ये ऑटर मच्छर की तरह कॉमन है और वो इजीली मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, ज्यादातर ये ऑटर को यहाँ के अरब्स ही ट्रेन करते हैं। वी आर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। एट कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। मेल यानी कि पोस्ट, कोई लेटर या कोई खत या कोई चिट्ठी ऐसा। तो राइटर बोल रहा है कि हम बसरा के दूतावास के पास यूरोप से आए हुए अपने मेल को कलेक्ट करने के लिए और उसका रिप्लाई देने के लिए जा रहे थे। तो दूतावास में हमें पता चला कि मेरे मित्र यानी कि मेरे दोस्त का मेल आ चुका है, पर मेरा मेल आया ही नहीं है। आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 डेज लेटर नथिंग हैड हैपेंड, आई ट्राइड टू टेलीफोन। द कॉल हैड टू बी बुक 24 आवर्स इन एडवांस। केबल यानी कि सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, मतलब तार करना। ये नीचे तार कैसे करते उसका साधन होता है, ये जनरली दूतावास या तो पोस्ट ऑफिस में होता है। तो राइटर बोलता है कि मैंने इंग्लैंड तार भेजा, क्योंकि 3 दिन हो चुके थे, मैं बसरा में ही ठहरा था, पर मेरा कोई जवाब यानी कि कोई मेल या कोई लेटर नहीं आया था। तो मैंने इंग्लैंड तार भेजा और जब 3 दिन बाद कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने टेलीफोन करने का ट्राई किया, पर उन दिनों टेलीफोन आज के जैसा नहीं कि आपने मोबाइल उठाया और नंबर डायल किया और आपने बात करना शुरू कर दिया। वहां पे आपको अगर केबल, तब तो फोन मोबाइल फोन थे ही नहीं ज्यादातर, नो केबल फोन थे, वायर्ड फोन थे, तो उसके लिए भी आपको 24 आवर्स से पहले टेलीफोन एक्सचेंज में बुक करवाना पड़ेगा। और इसीलिए राइटर यहाँ बोल रहा है कि मुझे 24 घंटे पहले कॉल करने के लिए बुकिंग करवाना पड़ा। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। एक्सचेंज यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर आपको कॉल करना है तो टेलीफोन एक्सचेंज में आपको 24 घंटे पहले वो कॉल करने के लिए बुकिंग करवाना पड़ेगा। तो राइटर बोलता है कि पहले दिन टेलीफोन की लाइन खराब थी, दूसरे दिन कोई रिलीजियस हॉलीडे के चलते टेलीफोन एक्सचेंज ही बंद था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 डेज लेटर माई मेल अराइव। तो ब्रेक डाउन यानी कि डिसऑर्डर, किसी चीज का खराब हो जाना या गड़बड़ पैदा होना। तो तीसरे दिन वहां पर एक और गड़बड़ हो गई, मेरा मित्र बसरा से चला गया और मैंने उसको 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक में मिलने का वादा किया, और उसके चलते तकरीबन 5 दिन के बाद मेरा मेल आया। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर वर टू अरब्स। बिसाइड देम लाई अ सैक दैट स्क्विर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्चर। तो यहाँ पे स्क्वैटिंग का मतलब होता है सिटिंग क्रॉस लेग, पलाठी मार के बैठना। सैक यानी कि बैग, जिसको आप बोल सकते हो बोरी, जिसमें आप अनाज गेहूं ये सारा सामान भरते हो। स्क्रिम जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड अबाउट, यानी कि इधर उधर होना, हिलना डुलना। तो राइटर बोलता है, मैं पढ़ने के लिए कॉन्सुलेट यानी कि दूतावास के अपने बेडरूम में गया और वहां मैंने देखा तो 2 अरब जमीन पे पलाठी मार के बैठे हैं और उनके बाजू में एक बोरी रखी है जो थोड़ी थोड़ी देर में हिल डुल रही थी।
उन्होंने मेरे दोस्त का नोट मेरे हाथ में थमा दिया जहां पे लिखा था, और ये लीजिए आपका ऑर्डर। विद द ओपनिंग दैट सेक बिगिन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। फेज यानी कि पीरियड, कार्यकाल या समय। तो राइटर बोलता है जैसे ही मैंने वो बोरा खोला कि उसके साथ ही एक ऐसे टाइम, एक ऐसे काल या समय का आरंभ हुआ जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। और शायद मैं जब जानता हूँ या मैं जितना जानता हूँ कि मेरे इसे समाप्त करने तक ये समाप्त नहीं होगा, मतलब मैंने जब तक ये नहीं चाहा कि अब यार ये बस हो गया, इसको बंद करना है, तब तक ये बंद नहीं होने वाला। इट इज इन फैक्ट अ थर्जम टू ऑर्चर्स एंड ऑर्चर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर बाय मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव एवर ओन द वन। थर्जम का मतलब होता है बींग अंडर द कंट्रोल, वशीकरण होना या किसी चीज के झांसे में आ जाना। फिक्सेशन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग, जिसको बोला जाता है सम्मोहन या तो एक तरीके का नो लगाव। तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि शायद ये मेरा ऑटर के प्रति एक वशीकरण रहा होगा, जैसे ऑटर ने मेरे पे वशीकरण कर दिया। और ऐसा काफी सारे दूसरे लोगों ने जिनके पास ऑटर था या ऑटर है, उनका भी ये मानना है कि ऑटर उनके ऊपर एक तरीके का सम्मोहन डाल देता है। अब जैसे कोई लोग पेट पालते हैं, आप डॉगी रखते हो, तो डॉगी आपके घर रहने से उसके प्रति आपका एक लगाव, एक नो स्पेशल बॉन्ड जैसा बन जाता है। तो राइटर वही फीलिंग को शेयर करते हैं अपने ऑटर के एक्सपीरियंस के थ्रू। द क्रीचर दैट एमर्ज फ्रॉम दैट सेक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम रेजेंबल मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मेडिवियली कंसीव्ड ड्रैगन। क्रीचर यानी कि जानवर, एमर्ज केम आउट बाहर निकलना, स्पेशियस यानी कि ओपन खुलासा, मेडिवियली कंसीव्ड यानी कि मध्यकालीन समय का एक काल्पनिक जीव जिसका नाम है ड्रैगन, और ड्रैगन आप पिक्चर में देख सकते हो। तो राइटर बोलता है कि जैसे ही मैंने वो बोरा खोला तो उसमें से एक जानवर, एक जीव जो दूतावास के बेडरूम के विशाल टाइल के फर्श पे बाहर निकला, वो मध्यकालीन युग का एक काल्पनिक छोटा सा जानवर ड्रैगन से सबसे ज्यादा मेल खाता था, मतलब वो ड्रैगन जैसा ही दिखता था। अब देखो, ड्रैगन साइज में काफी बड़ा होता है और ऑटर साइज में काफी छोटा होता है, फिर भी राइटर ने इसको सटायर करने के तौर पे इसको बोला कि इट वॉज रेजेंबलिंग अ वेरी स्मॉल क्रीचर नेम ड्रैगन, जो कि हकीकत में काफी बड़ा होता है। From the head to the tip of the tail, he was coated with the symmetrical pointed scales of mud armor. Between those tips was visibly a soft velvet fur like that of chocolate brown mole. Symmetrical यानी कि well proportioned, संतुलित ढंग से यानी कि बराबर से होना, न ज्यादा न कम। Pointed scale यानी कि sharp thin pieces of hard skin, जिसका मतलब होता है नुकीली परतें, अगर आप उसको तरीके से नहीं छुओगे तो शायद आपको लग सकता है, आपको इंजर्ड कर सकता है। आर्मर यानी कि शील्ड यानी आवरण या कवच, टिप यानी कि कॉर्नर कोने, मोल यानी कि एक जात का जानवर है जो आप उन चूहे या छछुंदर से उसको कंपेयर कर सकते हो, मोल बेसिकली होता है छछुंदर। तो राइटर बोलता है कि सिरे से लेके पूंछ तक यानी कि उसके मुंह से लेके पूंछ के पॉइंट तक, पूंछ की नोक तक, उसके ऊपर मिट्टी का कवच लगा हुआ था। और मिट्टी जैसे जैसे सूखती है तो कहीं जगह पे वो जैसे अर्थक्वेक में जमीन पे क्रैक्स आ जाती है, ऐसी क्रैक्स दिख रही थी। और वो क्रैक के सिरों यानी कि टिप के बीच में से उसकी मखमली मुलायम सी फर दिख रही थी, और वो फर जो थी
वो एक चॉकलेटी ब्राउन कलर के छछुंदर की होती है, वैसे कलर की दिख रही थी। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑर्चर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर। तो राइटर बोलता है उसने अपने आप को यानी कि स्वयं को हिलाया और मुझे धूल के एक बादल की आशा कम थी, यानी कि मुझे एक ऐसी अधूरी आशा थी कि ऑटर के ऐसा करने से, अपने बॉडी को हिलाने से शरीर की धूल उड़ेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। और राइटर को अगले एक महीने तक उसके कीचड़ के नमूने यानी कि उसके बॉडी पर से कीचड़ धीरे धीरे गिरता या साफ होता हुआ नजर आए, यानी कि ऑटर उसके वास्तविक रूप रंग में एक महीने के बाद दिखा। तब तक उसके बॉडी पर से एक या दूसरे तरीके से ये मड का लेयर या धूल मिट्टी का थोड़ा बहुत जो भी बचा था किस्सा वो निकलते रहा। मिस बिल एज आई कॉल्ड द ऑर्चर वाज इन फैक्ट ऑफ अ रेयर प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वाज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो राइटर कहता है कि मिस बिल, जैसे मैं ये ऑटर को उस नाम से बुलाता था, हकीकत में ये पहले के समय में विज्ञान में अज्ञात एक प्रजाति था और काफी समय तक इसको जूलॉजिस्ट यानी कि जंतु वैज्ञानिकों ने लुट्रोगेल परस्पिसिलाटा मैक्सवेली या तो मैक्सवेल के ऑटर के नाम से ही जाना पहचाना। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिस बिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माय बेड एज पॉसिबल। हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, यानी कि उग्र ना होना, यहाँ पे दोस्त ना होना। अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है कीपिंग अ डिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज या व्यक्ति से सलामत अंतर रखना। तो राइटर बोलता है कि पहले 24 घंटे तक मिस बिल ना तो उग्र ना तो मित्रवत था, यानी कि ना वो दोस्त था ना दुश्मन था, और उसने एक दूरी बना के रखी थी। उसने फर्श पे सोने का चुना और वो मेरे बेड से जितना पॉसिबल है, जितना संभव है, वो दूर रहने के लिए ही उसने फर्श पे यानी कि फ्लोर पे रहने का चुना। The second night, Miss Bill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose his apathy and take a keen, much too keen, interest in his surroundings. Small hours in the early morning, pratakal, subah-subah ka samay, crook, bend, yani ki mood, apathy, एबसेंस ऑफ इंटरेस्ट, जिसके लिए हम बोल सकते हैं अरुचि या तो उदासीनता, कीन यानी कि ईगर उत्सुकता, सराउंडिंग्स यानी कि ऑल अराउंड आसपास का वातावरण। तो दूसरी रात को मिस बिल थोड़े से घंटों में ही मेरे बेड पर आ गया और मेरे घुटनों के मोड़ में जब तक सोया रहा, तब तक कि जब सुबह सुबह यानी कि प्रातःकाल सर्वेंट चाय लेके नहीं आया, मतलब पूरी रात ऑलमोस्ट ये इनके घुटने के नजदीक सोता रहा। और उस दिन नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन पूरे दिन के दौरान उसकी अरुचि या उसका उदासीनता समाप्त हो गया। और जब ये हुआ तब उसने चारों ओर अपना जो वातावरण था उसमें सबसे ज्यादा अधिक, बहुत अधिक, दैट्स वाई द वर्ड यू नो किन, मच टू किन। तो उसने सबसे ज्यादा रुचि लेना शुरू किया अपने आसपास के वातावरण में कि भाई हर एक चीज क्या है, ये टेबल क्या है, ये कुर्सी क्या है, हर एक चीज, बिकॉज नो द ऑटर्स आर वेरी क्यूरियस क्रीचर्स। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन द लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर एन हाफ एन आवर He went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater,
एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। तो यहाँ पे वेंट वाइल्ड जिसका मतलब है बिकेम मैड विद जॉय, नो खुशी से पागल हो जाना, प्लंजिंग मतलब डाइविंग इनटू, मतलब डाइव लगाते हुए, शूटिंग अप एंड डाउन, जंपिंग अप एंड डाउन, कूदते हुए ऊपर या नीचे जाना, स्लॉश एंड स्प्लैश, तो स्लॉश एंड स्प्लैश, स्प्लैश यानी कि पानी उड़ाना और स्लॉश का मतलब होता है कीचड़ में लिथड़ना, एंड हिपो दिस इज वर्ड यूज फॉर हिपोपोटामस। तो राइटर बोलता है कि मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया था। और बॉडी बेल्ट क्या होता है, जनरली आप कोई पेट होता है तो उसके गले में पट्टा लगाते हो, तो वो नेक बेल्ट की जगह बॉडी बेल्ट, जिससे जानवर को तकलीफ कम होगी। तो राइटर बोलता है कि मैंने इसके लिए बॉडी बेल्ट बनाया था और उसे जंजीर से बांध के, मैं मतलब बेल्ट को जंजीर से बांध के वो उसको बाथरूम की ओर ले गए और वहां आधे घंटे तक ये ऑटर ने पानी में इतना आनंद किया, इतना मजा किया कि उसकी कोई बात ही मत पूछो। उसने गोता लगाते हुए, लोट पोट होते हुए, बाथ टब की लंबाई तक पानी, मतलब बाथ टब में जितना पानी भरा था वो सारा निकल के जैसे बाहर आ जाएगा, वैसे उसने पानी में मजे किए। आप जैसे एक हिप्पोपोटामस पानी में, पानी को देख के पागल सा हो जाता है, बस कुछ ऐसा ही उसने किया। और हिप्पोपोटामस जैसे पानी में कीचड़ में लथेड़ते हुए पानी में छप छप करता है, वैसे भी इसने किया। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉटर्स, एवरी ड्रॉप ऑफ वॉटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और if it will not be overturned, be set in and slosh in until it overflows. Characteristic yani traits, koi insaan ke personality ka koi trait yani characteristic jisko lakshan bhi bola jata hai, so to speak means as it were, jise kaha jaye, extended spread out phail jana, overturn yani ki tumble ulta ho jana। तो राइटर बोलता है कि ये अभी मुझे सीखना बाकी था कि ऑटर का ये एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रेट, एक लक्षण होता है कि पानी की हर बूंद को, जिसे कहा जाए जब तक वो बर्तन में भरी हुई है तब तक उसको उससे वो खेलता रहेगा, या तो वो बर्तन में से सारा पानी बाहर नहीं निकालेगा तब तक खेलता रहेगा, या इतनी जद्दोजहद करके पानी में छपाछप करेगा कि वो बर्तन ही ओवरटर्न हो जाए, यानी कि ये बर्तन ही उल्टा हो जाए, यानी कि पानी से इनका कोई गहरा रिश्ता है और पानी का एक पर्टिकुलर मोशन होना जरूरी है ऑटर को शांत रखने के लिए। वॉटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। स्टैटिक नॉट मूविंग, जो चलता नहीं है वैसा, यानी कि स्थिर, provoking, causing anger or some other reaction, उत्तेजित करना या उपसाना। तो जैसे हमने previous slide में बोला कि otter और पानी का रिश्ता थोड़ा अजीब है और ये otter का characteristic है, वो writer को अभी समझना बाकी था। ये otter के लिए पानी जब तक static नहीं है, यानी पानी move करता है, गति में है, तब तक otter को कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पानी स्थिर हो गया, उसने मूव करना यानी कि फ्लो करना बंद हो गया, हालांकि बाथटब में यही सीन होता है, पानी भरे का भरा रहता है, जैसे नदी नाले में पानी बहता रहता है वैसे यहाँ पे बहेगा नहीं, और ये पानी जब स्थिर होता है तब वाली परिस्थिति ऑटर के लिए काफी उपसाने वाली होती है और इसीलिए राइटर को दिक्कत हो रही थी। टू डेज लेटर Miss Bill escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor to lead to the bathroom. Escape माने run away, भाग जाना, बच के निकल जाना, ऐसा भी बोला जा सकता है। Bend यानी कि curve, यहाँ पे उसका मतलब होगा मोड़। Corridor यानी कि passage, घर में जो खाली जगह, खुला जगह होता है उसके लिए आप ये word इस्तेमाल करते हो, passage जिसका मतलब होता है गलियारा।
तो राइटर बोलता है कि दो दिन के बाद मिसबिल मेरे बेडरूम से जब बच के भाग निकला तब मैंने उसे देखा तो वो गलियारे का मोड़ लेके बाथरूम की ओर जा रहा था और मुझे बाथरूम में उसको घुसते हुए नहीं देखा पर सिर्फ मुझे उसका पूंछ बाथरूम में डिसअपियर होते नजर आया, यानी कि वो इतनी तेजी से भागा कि आंख के पलकारे में वो बाथरूम में जा पहुंचा। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथरूम एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। फंबलिंग का मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, फुहड़पन से कुछ करना ऐसे। पॉज मतलब इसका पैर, यानी कि पैर का आगे का हिस्सा जिसको बोला जाता है पंजा। यहाँ पे पॉज के लिए मैंने लिखा है द फुट ऑफ एन एनिमल जिसके साथ उसका जो क्लॉज या नेल्स होता है। अच्छा, जब तक मैं वहां पहुंचा ये ऑटर बाथटब के अंतिम सिरे यानी कि छोर पे जा चुका था और वहां क्रोमियम का जो नल लगा था वो नल को अपने पंजे से फुहड़पन से कुछ करने का कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। आई वॉच्ड अमेज्ड, इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। अमेज, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। ट्रिकल, अ स्मॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि टपकन, जैसे नल में से पानी बूंद बूंद करके बहता है वो फ्लो, उसको बोला जाता है ट्रिकल, यानी कि टपकना, जिसको बोलते हैं हम टपकन। अच्छा, मैंने देखा और मैं आश्चर्यचकित था कि एक ही मिनट से कम समय में इसने नल को पर्याप्त मात्रा में घुमा दिया था और उससे पानी की टपकन पैदा हो गई थी, यानी कि बूंद बूंद पानी टपकने लगा था और उसके एक दो क्षण के बाद तो उसने उसका पूरा फ्लो प्राप्त कर लिया। मतलब थोड़ा उसने घुमाया और उसको समझ में आ गया कि इसमें से पानी निकल सकता है, तो उसने वो जो ट्रिकल हो रहा था उससे ज्यादा फुल फ्लो लिया, उसने नल को और घुमाया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे। On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. Chittering, cutting the teeth, yani ki chinchi karna, janwar jo awaaz karta hai dheemi si wo. Irritation ka matlab hota hai vexation, yani ki ghin hona ya naraaz hona. And cooperate means give mutual help, यानी कि सहयोग। तो वो यानी कि ऑटर नल को उचित दिशा में घुमाने के लिए वो पहली बार लकी था, यानी कि सौभाग्यशाली था। बाकी उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रसंग यानी कि ऐसे भी अवसर आए जहां पे वो कभी कभी नल को ज्यादा मरोड़ देता था, ज्यादा कस देता था और इसीलिए नल उससे कोऑपरेट नहीं करता था, यानी कि उसमें से पानी नहीं निकलता था। और जब ऐसा होता था यानी कि नल ना खुले तब वो नाराज हो जाता था और नाराजगी के चलते या निराशा के चलते वो चींची करने लगता था, यानी कि एक इरिटेटिंग आवाज, चिटरिंग का आवाज निकालने लगता था। Very soon, Miz would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. Lead, यानी के string, यहाँ पे जंजीर जिससे Miz को बांधा जाता था। तो writer कहता है शुरू शुरू में मुझे ऐसा होता था कि मुझे अगर उसको कहीं पे ले जाना है तो उसको जंजीर से बांध के उसको खींच के ले जाना पड़ेगा, पर जब वो मुझसे फ्रेंडली हो गया तो Miz बिना जंजीर के भी मुझे फॉलो करने लगा और अब तो जब जैसे ही मैं उसका नाम पुकारता था और वो मेरे पास आ जाता था। और ज्यादातर ये मिज अपना समय पानी के खेल में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player using all four feet to dribble the ball and he could also throw it with a powerful flick of a neck to a surprising height and distance. Shuffling, yani ki shambling, aage dhakelna ya to ghumana. Shocker, yani ki football. Shocker player, yani ki football player. Dribble,
फुटबॉल में एक मूव आता है जहां आप पैरों के इस्तेमाल से बॉल को आगे धकेलते हो, आगे लुढ़काते हो। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि लात मारना, फ्लिक। अगेन अ क्विक लाइट मूवमेंट यानी कि प्रहार करना, यहाँ उसका भी मतलब एक तरीके से लात मारना या गेंद को खदेड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वह एक चार पैर वाले फुटबॉल प्लेयर की तरह था जो अपने सभी चारों पैर को बॉल को ड्रिबल करने के लिए प्रयोग करता था। कमरे में चारों ओर वो एक रबर की बॉल्स को घुमा घंटे तक घुमाते रहता था और उसमें अपना टाइम स्पेंड करता रहता था, समय व्यतीत कर देता था। और वह उसे एक विस्मित यानी कि अचंभित कर देने वाली ऊंचाई तक वो अपनी गर्दन के शक्तिशाली प्रहार से फेंक भी सकता था। But the real play of an archer is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles were Mitt's favorite choice for his pastime. He would lie on his back, rolling two or more of them up and down with his wide, flat belly without even dropping one to the floor. Juggle ka matlab hota hai moves like a juggler, yani ki baazigari karna. To वो पानी से खेलता रहता था, वो सॉकर की तरह गेंद को घुमाता था, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऑटर का असली खेल तब होता था जब वो अपनी पीठ के बल लेट जाता था और अपने पंजों के बीच छोटी छोटी चीजों को जगल करता रहता था, यानी कि उसकी बाजीगरी करता रहता था। कंचे यानी कि मार्बल उसका पसंदीदा खिलौने में से एक था, वो उसके लिए मन बहलाने वाला खिलौना था। और उससे वो क्या करता था, वो पीठ के बल लेटकर वो कंचों को एक से ज्यादा मात्रा में लेता था और फिर उसको अपने चौड़े समतल पेट पर ऊपर नीचे घुमाता रहता था। और ये घुमाने के टाइम एक भी कंचा, एक भी मार्बल फर्श पे यानी कि जमीन पे नहीं गिरने देता था। और यही उसकी सबसे बड़ी जगलिंग एक्टिविटी यानी कि कलाकारी थी। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miz to England and to Kamsfarna. Peacefully, yani ki calmly, shanti se, dreaded the prospect means was in a great fear of something that would happen in the future. मतलब भविष्य में कुछ ऐसी गलती या खराबी या कुछ खामी होने की आशंका, आपको कभी कभी लगता है यार ये प्रॉब्लम हो सकता है, सो उसको बोला जाता है ड्रेडेड प्रोस्पेक्ट। एंड ट्रांसपोर्टिंग यानी कि टेकिंग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ पर राइटर को मिस को बसरा से इंग्लैंड और वहां से कैमिस्फर्ना ले जाना था। तो राइटर बोलता है कि बसरा में मैं शांति से दिन व्यतीत करता था, लेकिन मिस को भविष्य में इंग्लैंड और वहां से कैमिस्फर्ना ले जाने के खतरे के बारे में सोच के मैं हमेशा डरा रहता था, मैं टेंशन में रहता था। ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंच स्क्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फिट। यहाँ पे इंसिस्टेड का मतलब है प्रेस ऑन, किसी बात पे जोर लगाना या भार देना। तो लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी और इसीलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइन जो पेरिस से जाने वाली थी उसकी फ्लाइट मैंने ले ली और वहां से यानी कि वो पेरिस से लंदन की एयर टिकट ले ली। एयरलाइन ने ये बात पे जोर दिया था कि मिस को मैं एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स में पैक करूं यानी कि रखूं जो 18 इंच से अधिक का ना हो, और वो बॉक्स मुझे मेरे पैरों के पास फ्लाइट में फर्श पे रखने हैं। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मिस इनटू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। अकस्टम टू यानी कि यूज टू, हैबिचुएटेड टू, किसी चीज से
अभ्यस्त हो जाना यानी अवगत हो जाना, आदत लग जाना, हरिड क्विक जल्दी से, यहाँ पे हरिड मील यानी कि शीघ्र भोजन तुरंत, जैसे आपको ज्यादा भूख लगा है तो आप एक सेकंड का भी विलंब नहीं करोगे, आप तुरंत खाने के लिए जाओगे, तो आप बोलोगे आई गॉट अ हरिड मील। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने, राइटर बोलता है कि मैंने एक बॉक्स बनवाया और एक घंटे पहले, मतलब मेरा जब फ्लाइट उड़ने वाला था, मेरा प्लेन उड़ने वाला था, उसके एक घंटे पहले मैंने तैयारी कर ली, मैंने मिस को वो 18 इंच वाले बॉक्स के अंदर डाला ताकि वो बॉक्स से आदी हो सके, अभ्यस्त हो सके, और तुरंत ही मैं शीघ्र भोजन के लिए रवाना हो गया। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. An appalling spectacle, यानी कि shocking scene, सदमा देने वाला दृश्य। तो जब मैं लौटा, वहां पे एक सदमा पहुंचाने वाला दृश्य था। बॉक्स में संपूर्ण शांति थी, किंतु उसके वायु छिद्रों एवं ढक्कन के चारों ओर की दरारों से काफी खून निकला था और वो खून अब जब जम के सूख भी गया था। I whipped off the lock and tore open the lid and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. यहाँ पे whipped off जिसका मतलब होता है quickly took off, तेजी से बाहर निकलना, ब्लड स्पैटर यानी कि कवर्ड इन ब्लड, खून से सने हुए होना, विम्पर्ड यानी कि क्राइड सॉफ्टली, धीरे से रोना यानी कि ठिनकता होना। तो मैंने तेजी से लॉक निकाला और ढक्कन को फाड़ के खोला और मिज जो कि थका हुआ था और खून से सना हुआ था, वो ठिनकने लगा और मेरे पैरों से लिपट गया। He had torn the lining of box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edge left. It was just then minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Miss back into the box, holding down the lid with my hand. Shreds, yani ki small pieces, chote chote tukde kar dena. To usne box ke अस्तर यानी कि लेयर को चीर चीर कर फाड़ डाला था। जब मैंने बॉक्स का अंतिम लेयर हटा दिया ताकि उसका नुकीला किनारा ना बचे और उसको कहीं पे ज्यादा चोट ना लगे, तब फ्लाइट के लिए 10 मिनट ही शेष थे। यानी कि ये पूरे प्रोसेस में राइटर का काफी टाइम चला गया और अब फ्लाइट को पकड़ने के लिए उनके पास सिर्फ 10 मिनट थे। मैंने अपने हाथ से पकड़ के उसको दयनीय हालत में बॉक्स के अंदर वापस डाला। वो खून से सना हुआ था, उसको काफी इंजरी लग गया था, पर अब टाइम नहीं था उसको ठीक करवाने का, डॉक्टर से मिलने का, तो जैसा भी था उसको वापस ठीक ठाक करके बॉक्स को और मिस को दोनों को थोड़ा बहुत ठीक करके वापस बॉक्स में डाल दिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. A bullet which changes direction after hitting a surface. कोई गोली कोई चीज से टकरा जाने के बाद अपना direction change करती है, बस वैसे ही। तो मैं box को अपनी बगल में रख के कार के पिछली सीट पे बैठा था, जबकि कार का ड्राइवर बसरा की गलियों के बीच से गोली की तरह कार को पार करता हुआ मुझे आगे ले जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरेटिंग ऑफिशियल्स। लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट। इन्फ्यूरिएटेड वेरी एंग्री, क्रोधित कर देना। तो फ्लाइट उड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी और क्रोधित अफसरों द्वारा मुझे हवाई जहाज की ओर शीघ्रता से भगाया गया। सौभाग्य से मेरी जो सीट बुक की गई थी वो नितांत सबसे आगे थी। आई कवर्ड फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस
about the events of the last half an hour. Took her into my confidence, means shared with her my experiences or secret. यानी कि उसे मैंने मेरे विश्वास में ले लिया, तो मैंने अपने पैरों के पास के फर्श पर न्यूज़पेपर ढक कर रख दिया था और एयर होस्टेस को बुलाने के लिए घंटी बजाई और उसे फिश का पार्सल जो मैंने मिस के लिए लेके रखा था उसे ठंडे स्थान पे रखने के लिए दे दिया। मैंने उसे पिछले आधे घंटे की घटनाएं बताई और उसे अपने विश्वास में ले लिया। I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. Retain yani ki kept, rakhna. Profound ka matlab hota hai gahan, very deep. Admiration yani ki prashansha bhav. To maine us air hostess ke liye sabse jyada prashansha ka bhav rakha tha aur wo apni tarike se maharani. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. तो उसने सलाह दी कि मुझे अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों के पास रखना चाहिए और मैं उसके gratitude, इसकी कृतज्ञता में इतना भावुक हो गया था कि मैं उसका हाथ चूम सकता था, किंतु ऑटर के बारे में मेरी जानकारी न होने के कारण आगे जो कुछ होने वाला था, घटित होने वाला था, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, उसके लिए मैं बिल्कुल अनजान था, यानी कि अब इनका प्रॉब्लम बढ़ने वाला था। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट इन अ फ्लैश इन अ मोमेंट, यानी कि एक ही झटके में डिसअपीयर वेंट अवे यानी कि गायब हो जाना। एक ही झटके के साथ मिज बॉक्स से बाहर आ गया और वो हवाई जहाज के नीचे तेज गति से कहीं पे गायब हो गया, कहीं पे मिस्टर इंडिया हो गया। There were squawks and squeaks and a woman stood up on her seat screaming out a rat, a rat. I caught sight of Mitch tail disappearing beneath the legs of a portly white turban Indian. Squawks and squeaks का मतलब है चिल्लाहटे, screaming out means crying out, जोर से चिल्लाना, portly का मतलब होता है stout, powerful, जो बंदा हट्टा कट्टा होता है उसके लिए word इस्तेमाल होता है, for example he is a mighty person or he is a portly person. Turban, putting on a turban, पगड़ी पहने हुए, यहाँ सरदार जी के लिए ये जिक्र है। वहां चिल्लाहटे और चीखे थी और एक महिला अपनी सीट पे खड़ी होकर चिल्लाने लगी, चूहा चूहा। मुझे मीच की पूछ एक बड़े लंबे से सफेद पगड़ी वाले हुष्टपुष्ट भारतीय के टांगों के बीच गायब होती नजर आई, यानी एक सरदार जी के दो पैरों के बीच राइडर ने उस मीच की पूछ को देख। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी, परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद अ मोस्ट चार्मिंग स्माइल, it would be better if you resume your seat and I'll find the animal and bring it to you. And I returned to my seat. Curry, an Indian dish jisme kafi sara liquid hota hai aur ye in fact India ka pehchan hai, curry. Fine. Charming, attractive, aakarshak. Resume means took back, apni jagah pe wapas jana. तो मैंने मेज को देखा कि वो सरदार जी के दो पैरों के बीच जाके छुपा है और इसलिए मैं उसके लिए झपटा, पर मैं चूक गया और मैंने अपने चेहरे को करी में सना हुआ पाया, मतलब वो राइटर अपना टारगेट चूक गया और वो मेज के ऊपर गिरने के बजाय करी के प्लेट के ऊपर उनका मुंह जाके गिरा और उनका पूरा मुंह करी के मेकअप से भर गया। शायद एयर होस्टेस ने सर्वाधिक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, और एयर होस्टेस भी उसको देख के हंसी छुपा नहीं पाई और उसने उसको बोला कि सर ये उपयुक्त रहेगा, यानी कि ठीक रहेगा कि आप अपनी सीट पर बैठ जाए और मैं आपके जानवर को आपके लिए ढूंढ के आपके पास ले आती हूँ। और मैं शर्म के मारे अपनी सीट पर लौट आया, यानी कि अपनी जगह पे आके आई वॉज क्रैनिंग माई नेक
Trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miz bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. Craning my neck, yani ki raising neck like a crane. Main apni dog ragad raha tha. Distressed chitter, distress yani ki unhappy, sorrowful, chitter yani ki awaaz. विपदाग्रस्त आवाज. जब आप टेंशन में हो तो आपका अगर पेट है, आप डॉगी पालते हो तो अगर वो टेंशन में है तो उसका आवाज ही अलग सा हो जाएगा. सो दैट इज डिस्ट्रेस चिटर. उसको भूख लगी है या कुछ बीमारी है या वो इंजर्ड हो गया तो उसका वो डिस्ट्रेस चिटर आपको सुनाई देगा. यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज. बाउंडेड ऑन टू मीन्स क्लाइंब अप क्विकली, झड़प से ऊपर चढ़ जाना. नजल मीन्स रब जेंटली विद द नोज, यानी कि नाक से रगड़ना. जैसे अक्सर जो पैट्स होते हैं, डॉगी होते हैं, वो करते हैं जब खुश हो जाते हैं तो आपका पूरा बॉडी सूंघने लगेंगे, नाक रगड़ने लगेंगे, तो उसको बोला जाता है नजल. तो मैं अपनी गर्दन उठा के शिकार को पकड़ने की प्रतिक्रिया देख रहा था, तभी मैंने अचानक से एक जानी पहचानी अभिवादन वाली थोड़ी विपदाग्रस्त यानी थोड़ी तकलीफ देने वाली चींची की आवाज सुनी. और मैंने देखा कि मिज मेरे घुटनों पे आके बैठ गया है और वो मेरे चेहरे और गर्दन को अपनी नाक से रगड़ रहा है. यानी कि वो हैप्पी कमबैक हुआ. राइटर ने जब वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो टेंशन में था कि कहाँ गया यार, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा. अभी एक सेकंड पहले तो वो सरदार जी के पैरों के बीच मैंने देखा था और फिर अचानक से गायब हो गया. और तभी मिज ने जो है वो प्लेफुली जैसे उसको सरप्राइज दिया, आप मुझे ढूंढ रहे हो, सरप्राइज, मैं यहाँ हूँ, तो वैसे करके वो नजल करने लगा, अपना नाक रगड़ने लगा राइटर के चेहरे पे, उनकी गर्दन पे. सो आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रिच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट. तो वैसे एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ऑटर लंदन पहुंचे जहां पे राइटर का फ्लैट था. मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ. ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस. यहाँ पे टेरापिन शेल का मतलब है अ शेल ऑफ अ स्मॉल टर्टल फ्रॉम अ नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले एक कछुए का शेल. और हकीकत में राइटर इसको बसरा के इलाके में से ऑटर को खेलने के लिए लेके आए थे. नेटिव वंस प्लेस ऑफ बर्थ, जहां से वो बिलोंग करता है. मार्शेस लो वेटलैंड प्लेस, जिसको बोला जाता है दलदली इलाका. तो मेज और मैं लंदन में लगभग एक महीने तक रहे और वहां कई घंटे तक ये मेज जो है वो अपने चुने हुए खिलौनों के साथ या पिंग पोंग जिसको बोला जाता है टेबल टेनिस बॉल के साथ, मार्बल यानी कि कंचों के साथ, रबर के फलों के साथ ये खेलता रहता है. स्पेशली वो टेरापिन शेल यानी कि एक कछुए का कवच था, उससे भी काफी टाइम वो खेलता रहता था. और ये जो टेरापिन शेल है वो राइटर मिस जहां से बिलोंग करता था वही दलदली इलाकों से लेके आए थे. With a ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. Invented, formulate, किसी चीज को इजाद करना, किसी चीज को आविष्कृत करना. Engrossed, completely interested in, किसी चीज में पूर्ण रूप से रुचि लेना. तो टेबल टेनिस की जो बॉल थी उसने अपनी तरह से उसका एक खेल इन्वेंट किया था, इसका खेल आविष्कृत किया था और जिसमें ये ऑटर लगभग आधे घंटे तक रस और रुचि लेके खेलता रहता था, उसका मजा लेता रहता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lead when closed remained at a slope from one end to the other. Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो एक suitcase था
जो मैं इराक लेकर गया था, और जब मैं घर वापस आया तो वो जर्नी के दौरान वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, और इसीलिए उसके बंद करने पर उसका ढक्कन एक छोर से दूसरी छोर पे थोड़ा स्लेंटेड, थोड़ा ढला हुआ रहता था। और मिज ने इस बात को खोज लिया था कि यदि वो ऊंचे छोर पे बॉल को रखेगा तो यह सूटकेस की लंबाई तक लुढ़क के नीचे चली आएगी, और उसमें उसको और मजा आता था। He would dash around the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. Dash means run, तेजी से दौड़ना यहाँ पे। Ambush, attack suddenly from a hidden position. हमले के लिए घात लगा के बैठना, जैसे शेर होता है अपने शिकार से पहले शांति से शिकार को वो परखता है कि कब झपटा जाए, ये सारी चीज। एम्बुश, क्रॉचिंग, कीपिंग लो यानी कि नीचा रहना, कम बाउंस होना। ट्रॉट ऑफ मीन्स लीव यानी कि छोड़ देना। तो ये ऑटर काफी प्लेफुल नेचर का क्रीचर था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें, कुछ ना कुछ गेम, कुछ ना कुछ खेल या खिलौना ढूंढता रहता था। अब ये दूसरा क्या काम करता था, ये बॉल के आने के लिए घात लगा के हमला करने के लिए तेजी से दूसरे छोर पे दौड़ता हुआ जाता था, और फिर छिपता था, सिकुड़ के बैठ जाता था, और जैसे ही गेंद बाउंस होता है तो वो उछल के उसको लेने के लिए हैरानी से उसको पकड़ लेता था, और तेज चल के फिर से वही छोर पे आ जाता था ताकि वो दोबारा उसको झपट सके या पकड़ सके या लपक सके। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। प्रिसाइजली यानी कि एग्जैक्ट, ठीक रूप से। यहाँ पे लीड का मतलब है जंजीर जिससे ये ऑटर को बांधा जाता है। तो राइटर बोलता है कि घर के बाहर मैं उसको घुमाने के लिए, इसको थोड़ा एक्सरसाइज मिल जाए उस लिए, जैसे लोग डॉगी को बाहर ले जाते हैं, ठीक उसी तरह मैं उसको जंजीर से बांध के बाहर ले जा रहा था। मिज क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वेयरली ऑन अ सेंटर ऑफ ईच पेवरिंग ब्लॉक, मस्ट टच एवरी सेवन अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट। कंपल्सिव हैबिट्स यानी कि हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, बाह्यकारी आदतें। हम हर एक की कुछ ना कुछ आदतें बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, दिस इज some of the compulsive habits from this student side. Whenever a teacher is teaching, they just engage themselves in a talking. तो ये चालू क्लास में बातें करना वो एक compulsive habit हो जाती है। सर हमसे control नहीं होता, हम बात कर ही लेते हैं, तो उसको बोला जाता है compulsive habit. फिर और एक वर्ड है rituals यानी customary practice, जैसे ये daily routine का part है कि ये करना ही है। आप सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके पूजा पाठ वगैरह करते हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डेली रिचुअल्स। स्क्वायरली यानी कि ऑन राइट, यहाँ पे साथ साथ यानी कि कंपनी के साथ साथ, और चलते चलते आप कुछ काम करते हो तो स्क्वायरली समथिंग लाइक दैट। अपराइट स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना। तो राइटर बोलता है कि मिज ने लंदन की गलियों में घूमते घूमते काफी जल्दी सी कुछ आदतें विकसित कर ली थी, जैसे बच्चों की प्रतिक्रिया होती है कि स्कूल से आते या जाते समय पे वे अपने पैर पेवर ब्लॉक के स्क्वायर में बीचों बीच रखते हैं, और अगर कोई लोहे की सीलिंग रेलिंग्स है यानी कि सलाखें हैं, तो हर एक सलाखों को जो सीधी लाइन में खड़ी है तो वो हर एक सातवीं सलाखे को यानी कि रेलिंग को अचूक से छुएगा, या तो फिर एक छोड़ के दूसरे बिजली के खंबे को सामने से गुजरना या उसको टच करना। वैसे ही ये मिज ने भी काफी अजीब सी पर फिर भी कंपल्सिव टाइप की हैबिट्स बना के रखी थी। अब वो कौन सी है वो देखते हैं आगे। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरेड प्राइमरी स्कूल अलोंग हुज फ्रंटेज रैन अ लॉन्ग वॉल सम 2 feet हाइट। फ्रंटेज यानी कि फ्रंट साइड यानी कि आगे का जगह जो सामने से दिखते हैं।
तो मेरे फ्लैट के सामने एक एक मंजिला स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी, और जिसके सामने के स्थान पे एक 2 फुट की ऊंचाई की एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मिज वुड ड्रैग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स टू द होपलेस डिस्ट्रेक्शन बोथ ऑफ प्यूपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। गैलप मीन्स वॉक और रन इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक अजीब तरीके से चलना या दौड़ना। डिस्ट्रेक्शन समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम दैट फ्रॉम वॉट वन इज डूइंग, यानी कि व्यर्थ का ध्यान आकर्षित करना। टग यानी कि खींचना, टू पुल समवन। तो मिज हमेशा अपने घर आते समय, याद रखो घर आते समय, जाते समय नहीं, मतलब घर से बाहर निकलते समय नहीं, तो उस टाइम ये मिज मुझे उस दीवार के सहारे खींचता और उछल के वो प्राइमरी स्कूल के दीवार पे चढ़ जाता, और वो 30 गज की जो लंबाई थी उस लंबाई वाली दीवार पे वो सरपट भागता था। और जैसे ही वो भागता था, स्कूल के अंदर मौजूद सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ का ध्यान उसके ऊपर व्यर्थ ही जाता था। वो खामखा उनका ध्यान भटकाता रहता था, और इसीलिए तो मैंने बोला कि मीज जो होता है, ऑटर्स जो होते हैं, वो सबसे प्लेफुल नेचर के होते हैं। इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेन दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ऑटर, बट द वराइटी ऑफ गेजेस एज टू वॉट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। वराइटी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, वैविध्यपूर्ण। तो राइटर बोलता है कि ये एक सामान्य चीज है कि आम लंदन में रहने वाला एक सामान्य लंदन वासी जिसने ऑटर को कभी नहीं देखा है, उसको ये जानवर को देख के थोड़ी हैरानी जरूर होगी, पर उससे भी ज्यादा ये लंदन वासियों ने ये क्या जानवर है, ये जानवर का क्या नाम है, उसके लिए जो वाइल्ड गेजेस लगाए, जो आ, आ, विविध अनुमान लगाए, वो राइटर को हैरान यानी कि अचंभित करने वाले थे। ऑटर्स बिलोंग टू कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइन्स, शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूस, विजल, स्टॉर्ट, मिंक एंड अदर्स। तो यहाँ पे मंगूस अ स्मॉल एनिमल विद अ फर जिसको नेवला बोला जाता है, फिर है विजल अ स्मॉल वाइल्ड एनिमल विद अ रेडिश ब्राउन फर, वो भी नेवले की तरह ही है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। फिर है स्टाउट, ये भी एक एनिमल है जो ये मंगूज या छछुंदर या ऑटर ऊद बिलाव जैसा ही दिखता है। तो ऑटर तुलनात्मक रूप से जीवों के एक छोटे से समूह से संबंध रखता है जिसका नाम है मस्टेलिन या मस्टेलिन ग्रुप के एनिमल बोला जाता है। और ये वर्ग में मंगूज यानी कि बिच्छू, बिज्जू, नेवला, कांतियाल या स्टॉर्ट, मिंक यानी कि विस्तरक, ऐसे जानवर आते हैं। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बैराज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स, बट द ऑटर मोर रैंडम गेजेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। बैराज ऑफ कंजेक्चरल क्वेश्चंस यानी कि अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन दैट फिल विद गेजेस, यानी कि अनुमानित प्रश्नों की एक लंबी सी बौछार। स्प्रेड यानी कि टच यानी कि नो बरसना, रैंडम यानी कि हैफेजार्ड, यूं ही कोई भी जो जी में आए आप वो गेस कर देते हो। वो सील एक दरियाई जीव है, एक तरीके का मछली है। तो मैंने कंजेक्चरल क्वेश्चन यानी कि मैंने अनुमानित प्रश्नों की एक लगातार बौछार का सामना किया जो ज्यादातर सिर्फ ऑटर पे लागू नहीं होता है, पर सारे मस्टलाइन जीव, यानी कि अगर आप नेवला लेके जाओगे तो कोई बोलेगा यार ये बड़े सा चूहा जैसा क्या है, कोई उसको सील मछली करके भी बुलाएगा, ऐसे अलग अलग। तो ज्यादातर जब भी लंदन की स्ट्रीट में राइटर ऑटर को लेके घूम रहे हैं तो लंदन वासियों के लिए ये ऑटर नया जीव है, तो उन्होंने वाइल्ड गेजेस लगाने शुरू कर दिया, अनुमान लगाना शुरू शुरू कर दिया, और ज्यादातर लोग ये ऑटर को बुलाते थे, क्या ये छोटी सी बेबी सील है यानी कि सील का बच्चा है, या तो गिलहरी यानी कि स्क्विरल है।
दीज आर द रेंडम गेजेस, ज्यादातर लोग ऑटर को बेबी सील या स्क्विरल यानी कि गिलहरी के तौर से ही जानते थे. इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, रिड्यूस मी टू गिगल्स. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो. वॉलरस अ बिग सी एनिमल. वॉलरस एक पोलर रीजन में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में पाए जाने वाला सील मछली जैसा बड़ा समुद्री जानवर है और जिसके आगे ये बड़े बड़े से दांत होते हैं. आप नीचे पिक्चर में देख सकते हो, ये वॉलरस का पिक्चर है. गिगल मीन्स लाफ, यानी कि ही खिलखिलाट हंस पड़ना. तो मुझे किसी ने पूछा कि श्रीमान क्या ये एक वॉलरस है, और उससे मैं खिलखिलाट करके हंसने लगा. मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया. तो एक और जगह पे एक डॉग शो में मैं गया था, तो वहां पे किसी ने इसको बोला कि क्या ये छोटा सा हिप्पोपोटेमस है. अ बीवर, अ बेयर कब, अ लैपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रंटोसॉर मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑर्चर. बीवर, an animal with a wide flat tail and a strong teeth. Beaver jo hai wo bhure rang ka roedar khal, chaudi chapti poonch aur nukile daant wala janwar hai jo jal aur thal yani ki pani aur zameen dono pe reh sakta hai jaise hamara otter hota hai. Fir bear cub yani ki young one of bear, bhalu ka bachcha. Leopard yani ki cheetah, a big cat smaller than a tiger. And a लास्ट वन ब्रोंटोसोर, यानी कि ये एक प्रकार का डायनासोर है. तो हर एक जानवर का एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है, विशेषता रहती है, जिससे आपको इजीली पता चलता है कि यार ये शेर नहीं, ये बिल्ली है, या ये चीता है, ये चूहा नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो राइटर बोलता है कि ये ऑटर भी बीवर जैसा ही एक प्राणी है, जैसे एक भालू का बच्चा है या चीता है. और ये एक ऐसा चीता है जो स्वाभाविक रूप पे अपने बॉडी पे अपने धब्बों के बदौलत जाना जाता है. अगर धब्बा नहीं है उसके बॉडी पे, अलग अलग स्पॉट्स नहीं है, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि भाई ये चीता है. तो वैसे भी वैसे आप इसको कैसे बीवर या लैपर्ड या सबसे खतरनाक चीज जैसे ब्रोंटोसॉर बुला सकते हो. मतलब वाइल्ड गेजेस ठीक है, आप कुछ कुछ नायाब सा बोल देते हो, पर जो भी मुंह में आया आप बक देते हो, ये सही नहीं है ऑटर के लिए. और राइटर को भी इसी से हैरानी हो रही है. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप एंड बिगन टू स्टेयर. किंतु प्रश्न जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा मार्क्स दे रहा हूं, वो प्रश्न आया था एक लेबरर से जो गली में एक गड्ढा खोद रहा था. मैं अभी उससे काफी दूर था और तभी उसने अपना औजार जिसे वो खोद रहा था, खुदाई कर रहा था, वो औजार उसने रख दिया और अपने दोनों हाथों को अपने कुल्ले पे रख के उसने ये जानवर को घूरना शुरू किया. यार ये कौन सा जानवर है, ये तो हम पहली बार देख रहा हूं. ऐसे करके वो घूर रहा है. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. Affront in an offensive manner, सामने, एकदम सामने, बिना अपमानित किए, ऐसे भी आप ले सकते हो. तो जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा और मैंने उसके हैरान होने वाले भाव को देखा, तो मानो मैंने ये समझ लिया कि ये बंदा हकीकत में जोक नहीं कर रहा या मजाक नहीं कर रहा, पर ये इतना भोला है कि इसने पहली बार ऐसा जानवर देखा है और इसीलिए ये हैरान होके रह गया कि यार ये कौन सा जीव है जो ये बंदा लेके चल रहा है. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, हिज पैट ग्लैड and then growl out, "Here, mister, what is that supposed to be?" Abreast, by side, nazdeek aana. Spat means speak in an angry manner, gusse se kuch bolna. Growl means again speak angrily. To jaise hi main uske barabar paas aaya, to usne gusse se hairan hoke dekha aur fir gurraya aur ye bola, "Shriman,
ये कौन सा चीज लेके आप घूम रहे हो, ये क्या हो सकता है?